हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है जीनी एंड ज्योति ब्लॉग। और मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं जो मेरा पूजा मंदिर है उसको कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है और कैसे क्लीन करती हूँ उसको। मैं छोटा सा मंदिर है हमारा, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वीडियो। तो ये है हमारा मंदिर नीचे की, उसमें हमने बनवा रखा है छोटा सा। वैसे तो ये कॉमनली जो होता है नॉर्मल तो साफ साफ करते रहते हैं, जो तस्वीर है वो तो मैं कपड़े से पहुंच देती हूँ डेली, बट जो डीप क्लीन है मंदिर उसको 15-20 दिन के अंदर हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ सबसे पहले मैं पर्दा उतार रही हूँ क्योंकि पर्दा गंदी हो गई है, साफ़ सफाई हुई थी तो इसलिए पर्दा गंदी हो गई है। तो मंदिर में कैसे बोलते हैं कि डोर या पर्दा होनी चाहिए, तो इसलिए हमने लगा दिए। रात में सोते टाइम पर्दा डाल देते हैं और दिन में दोपहर में डाल देते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले ये पेपर लगा रखे हैं हमने, ये दिवाली पे लगाए थे मैंने। ये पेपर से ना थोड़ा मंदिर अच्छा सा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था, ऊपर भी लगा दिया क्योंकि धूप का धुआं धुआं जाता है ना, धूप बत्ती वगैरह का, तो वो ऊपर लकड़ी पे ना लगे, तो इसलिए तो मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि दिवाली पे लगाया। तो बाकी मंदिर क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मंदिर खाली कर रही हूँ पूरा, जो भी तस्वीर वगैरह मूर्ति वगैरह उनको नीचे रख लेती हूँ। मूर्ति तो वैसे हमारे मंदिर में ज़्यादा नहीं है और कहते भी हैं कि बड़ी मूर्ति मंदिर में तो रखनी नहीं चाहिए, तो इसलिए तस्वीर वगैरह ज़्यादा। तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी गीले कपड़े से। और ये कपड़ा बिछा रखा है मैंने रेड कलर का, इसके नीचे अखबार बिछा लेती हूँ। और इस कपड़े को ना मैं ऐसे ही उठा के फेंक दूँगी तो सारी गंदगी जो है ना बाहर झड़ जाएगी, इस पर नहीं जाएगी, फिर ऐसे उठा के बाहर झाड़ दूँगी। और ये अखबार तो सही है अभी फ़िलहाल में क्योंकि अभी मंदिर साफ़ किया कुछ टाइम पहले, तो अखबार चेंज नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछा दिया और कॉटन का कपड़ा लो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि धूप बत्ती वगैरह कुछ भी गिरे तो इतना वो नहीं होता नुकसान। और थोड़ा मोटा ही कपड़ा बिछाना चाहिए अलमारी में ताकि वो नीचे तक ना जाए, जला हुआ जो भी है ना, अगर गिरता भी अगरबत्ती का तो नीचे तक ना जाए। तो ये बड़ा कपड़ा है तो मैंने इसको थोड़ा फोल्ड कर दिया है पीछे से आगे से, तो अभी ये सेट हो गया। और ये पानी ले लिया मैंने, अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के और कपड़े से ही पहुंच दूंगी मैं सारी तस्वीरों को। ये मंदिर नीचे वाले फ्लोर पे बना हुआ है, मम्मी पापा का जो फ्लोर है ना ग्राउंड फ्लोर वहीं पे निकलवा दिया छोटा सा क्योंकि जगह इतनी है नहीं, जो अलग से बनवाते तो ऐसे निकाल दिया। और तस्वीर वगैरह यार ज़्यादा तो नहीं है, मतलब एक ही भगवान जी की डबल डबल हो जाती है ना ऐसे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हमारे में, बट वही है कितना भी करो यार हमारे में इकट्ठी हो जाती हैं तस्वीर वगैरह। और तस्वीर को फिर हटाने का मन भी नहीं करता, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब मोह हो जाता है एक तरीके से, डेली पूजा करते रहो वहीं भगवान जी की, तो वो अच्छा सा नहीं लगता यार हटाना, मतलब नई ले भी आते हैं हम फिर भी पुरानी वाली भी रखी रहती हैं। और ये गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हैं, ये तो हर दिवाली पे आती हैं नहीं, तो ये मैं नॉर्मल पानी से धो लूँगी। और ये सामने देख रहे हो आप, ये शादी का कार्ड रखा हुआ है, हमारी शादी का कार्ड है, मम्मी ने रखा हुआ है इधर संभाल के। तो अब मैं ये एक एक करके सारी तस्वीरों को सेट कर दूँगी। मंदिर में यार कितना अच्छा लगता है ना, मतलब चाहे घर में हो या फिर बाहर कहीं जाओ तो बड़ी शांति सी मिलती है मन को, थोड़ी देर बैठो वहाँ पे तो रिलैक्स हो जाता है पूरा मन। और ये शेरा वाली माँ को मैंने चुनरी उड़ा दी है, ये विराजित हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको मैं सेंटर में रखती हूँ क्योंकि ईजी रहता है ना डेली उनको नहाना होता है, तो सामने सही रहता है, अच्छे लगते हैं। और पीछे मैंने गंगा जल की बोतल मुझे सेट करनी है तो वो सेट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने साइड में खिसकाया तस्वीर को और फिर पीछे की साइड को उसको रख दिया ताकि दिखाई भी ना दे और हल्की हल्की दिखती भी रहे, यूज़ करनी हो कभी तो याद बनी रहती है। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल सके, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, तो मैंने सोचा याद दिला देती हूँ। और वीडियो यार अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो सफाई तो मैंने दिखा दी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑर्गेनाइज कैसे कर रखा है मंदिर को। तो ये देखिए ये साफ़ सफाई हो गई है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। और यहाँ पे ये जो बोतल है ये तिल की बोतल है, कभी तिल के तेल का दिया जला देते हैं, कभी घी का जला देते हैं, इसमें जो है वो बत्ती रख रखी है, फटाफट लेके जला देते हैं यहीं से, रुई की बत्ती है, खोल के दिखाती हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये बत्ती रखी हुई है इसमें सूखी ऐसी, इसमें भोग के लिए मिश्री रखी हुई है, और ये चंदन है,
टीका वीका लगाते हैं इससे सुबह। और इसके नीचे ये दराज है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। ये रामायण रखी हुई है इसमें, पापा डेली पढ़ते हैं रामायण। इसके नीचे चौकी है रामायण रखने वाली, नीचे रखी है। बुक्स वगैरह हैं, एकादशी की जो भी बुक्स वगैरह हैं पढ़ते हैं। यहाँ ये माचिस की डिब्बी रखी है, इसमें लौंगी रखी हुई हैं। और ये घी की डब्बी रखी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा बत्तियाँ आ जाती हैं तो यहाँ रख दी हैं धूप बत्ती। ये गोपाल जी के वस्त्र रखे हुए हैं इसमें, ये चॉकलेट वाला बॉक्स था मेरा तो मैंने इसको इसमें भगवान जी के सारे कपड़े रख दिए। और कपड़े ज़्यादा हो गए हैं गर्मियों के हैं इसमें, इसमें सर्दियों के तो ऐसे रख दिए मैंने। एक बड़ा डिब्बा बनाना पड़ेगा या तो सारे एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे ऐसे रख दिए। और ये लड्डू गोपाल का कपड़ा है, सुबह डेली नहाते तो मैं इसी से पहुँच देती हूँ ना, तो ये ऐसे छोटा सा मंदिर जो है ऑर्गेनाइज कर रखा है हमने। यहाँ पे इसके पीछे मैंने माचिस रख दिए क्योंकि जीनू माचिस से बहुत खेलती है, निकाल दी सारी तिल्ली। चंदन रखा हुआ है यहाँ पे, जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है वो ऊपर ही रख दी है थोड़ी सी, और क्योंकि मंदिर थोड़ा सा खाली अच्छा रखता है तो इसलिए धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती वो सब इसमें डाल दिए। साफ सफाई करते हुए यार शाम का टाइम भी हो गया तो मैंने कहा जोत भी जला देती हूँ। और पीछे की साइड में ना मैंने फिनाइल की गोली भी डाल दी क्योंकि चूहे वगैरह आ जाते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी महक से नहीं आते। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो गई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का यहीं करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।